जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच एशियन गेम 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला से कुछ ही देर में शुरू होने वाला, क्योंकि दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच एशियन गेम 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला आज सुबह 6:30 बजे से शुरू होने वाला है। और इस मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही दोनों टीमें तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में जीत हासिल करना इन दोनों टीमों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में जो भी टीम जीत हासिल करेगी वैसे ही एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में पहुंच जाएगी। जबकि दोस्तों इस मुकाबले में जो भी टीम हार का सामना करेगी वो सीधे सेमीफाइनल 2023 से बाहर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों सेमीफाइनल मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी खतरनाक फील्डिंग 11 का ऐलान कर दिया है। आप सभी को बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हराकर एशियन गेम 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 में ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री करा दी, जिससे भारतीय टीम के शामिल हो जाने से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 एशियन गेम 2023 में अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। और अब इस मुकाबले में भी बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की जीत पूरी तरह से पक्की हो गई है, क्योंकि दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ टीम की प्लेइंग 11 में उन सभी खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है जो कि इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को काफ़ी बुरी तरह से कुचलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस मुकाबले के शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का डर सताने लगा है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टीम के सभी खिलाड़ी जिस तरह से मानते हैं कि भारतीय टीम के कितने खतरनाक व विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं। इसीलिए दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत पूरी तरह से पक्की हो गई है। लेकिन दोस्तों आइए अब हम बात कर लें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि यह मुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाला है। और इस मुकाबले में टॉस का समय सुबह 6 बजे रखा गया है। आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में जैसे कि भारतीय टीम जीत हासिल कर लेगी वैसे ही एशियन गेम 2023 के फाइनल मुकाबले में पहुंच जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को कुचलने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग बैटल में यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बैटल में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की तरफ से पारी खेलने की शुरुआत करने के लिए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और नेपाल के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा था। जबकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि तिलक वर्मा T20 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वे अभी कभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। जबकि दोस्तों तिलक वर्मा के अलावा इस मुकाबले में चौथे नंबर पर शिवम दुबे बांग्लादेश की टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों शिवम दुबे अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। जबकि दोस्तों शिवम दुबे के अलावा पांचवें नंबर पर रिंकू सिंह को भी खेलने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नेपाल की टीम के खिलाफ रिंकू सिंह काफी शानदार है और तबड़े बल्लेबाजी की थी, क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। जबकि दोस्तों रिंकू सिंह के अलावा भारतीय टीम की तरफ से छठे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जितेश शर्मा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। जबकि दोस्तों जितेश शर्मा के अलावा इस मुकाबले में 7वें, 8वें, 9वें नंबर पर वासी गठन सुंदर, रवि बिश्नोई और RSI किशन को टीम में शामिल किया गया है। और स्पिनिंग बल्लेबाजी के तौर पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। वही 10वें और 11वें नंबर की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने आवेश खान और संदीप सिंह गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। ये थी हमारी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।